All roads are leading to Ayodhya after the Pran Pratishthan ceremony yesterday in the presence of Prime Minister Narendra Modi, UP Chief Minister Yogi Adityanath, amongst the others as well. You can actually see the kind of arrangements that are there as well. The administration is having a tough time over here. In fact, allowing people to come and access the location after scores of people have actually lined up from as early as 3 o'clock in the morning to try and get a darshan of the temple. People are on foot, people are on cycle, people are walking around with their luggage as well. We'll try and speak to a couple of people who are here as well. In fact, some of these people have come with their luggage all the way from Kashi. Let's try and understand from them. आप काशी से आए हो? हाँ, हम काशी से आए हैं और यहाँ अयोध्या आने पर हमारी हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक था और जो 550 वर्ष से चल रहा था ये विवाद, और मोदी ने लोकतांत्रिक ढंग से न्याय प्रणाली के तहत कार्य पूर्ण किया, मंदिर हमारा बना और कल हम हिंदुओं का गर्व लौटा, और यहाँ की व्यवस्था देखकर, यहाँ के लोगों का अनुशासन देखकर और यहाँ की सेवा भाव देखकर हम काशी के ही नहीं पूरे भारत के लोग प्रसन्न है। आप पैदल जा रहे हैं क्योंकि कोई बस वस नहीं मिल रही है? नहीं, यहाँ तो साधन थोड़ा भीड़ की वजह से एडजस्ट नहीं है, बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और हम औरैया से हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं साहब? मैनपुरी से। आप आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ है, आप कैसे करेंगे दर्शन? कोई बात नहीं, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ में ही आनंद है। आप भी पैदल चल के जाने के लिए तैयार है? काफी लंबा चलना है आगे। गुजरात से? गुजराती में बोले? बहुत लंबू चारों चुके थे, 408 दूर। गुजराती में बोलो? गुजराती आया जी, अहमदाबाद। आप बताइए कि इतना लंबा चलने के लिए, पर राम भक्ति है वो आपकी, आपको पूरी हिम्मत दे रही है आगे चलने के लिए? हाँ, गुजरात से आए हैं, बरोड़ा से। और जो चीज़ जल्दी मिल जाती है उसका कदर नहीं होता है, इसलिए हम आराम से ही चलते चलते ही जाएंगे तो मजा आएगा। और भीड़ तो रहेगी, नया नया है, कल ही उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो सब में जो उत्साह है वो थोड़े दिन तो ज्यादा रहने वाला है। चलेगा वो, चलेगा वो मालूम नहीं पड़ेगा, चलते ही रहेंगे। क्या कह रहे हैं? चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, भीड़ रहेगी, नया है। और भगवान श्री राम का मंदिर का सब जो है वो प्रार्थना अर्चन करने के लिए ही जाना पड़ता है, और पूरी उत्साह से के साथ हम पैंडल जाने के लिए तैयार है। बाबा कहाँ से आए हैं? गुजरात से आ रहे हैं। बहुत लंबा चलना पड़ेगा पैदल अभी आगे रहना। नहीं, हम अगरबत्ती 108 फुट की अगरबत्ती लेके आए। अच्छा, बरोड़ा से? हाँ, बरोड़ा से। हम भी बरोड़ा से है काका। 108 फुट की लेके आए हमने बरोड़ा से, वहाँ से निकला हमने, यहाँ 10-11 दिन में यहाँ पहुँचा ट्रक लेके, बड़ी ट्रक लेके। आप आए हैं परिवार के साथ, बच्चे भी हैं साथ में, काफी लंबा पैदल चल के जा रहे हैं, पर राम भक्ति शक्ति दे रही है? हाँ, शक्ति दे रही है कि हम पैदल चल के उनका दर्शन करें बच्चों के साथ। आप कहाँ से? हम यहीं से हैं, मैं अयोध्या से। पहली बात तो है जय श्री राम। अयोध्या जी तो एक बिल्कुल एक शानदार लोकेशन। हाँ जी मैम जी, आप खुश हैं इस बात? बहुत खुश हैं हम लोग कल नहीं आ पाए इसलिए आ जाए हैं। आप कहाँ जा रहे हो? आप सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? राम जी के दर्शन करने जा रहे हो? क्या बोलोगे, जय श्री राम बोलोगे आप? बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो चलो आप बोल दो, चलो जय श्री राम, जय श्री राम। आप अपना बैग वैग लेके कहाँ जा रहे हो? मंदिर के दर्शन करने जा रहे हो? आप यहीं से? अयोध्या से हो? नहीं। तो कहाँ से आए हो? हम भोपाल से। भोपाल से आए हो? आप भी भोपाल से आए हो? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पहले जैसा था बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही चेंज हो गया है यहाँ पे। और अभी दर्शन करके और भी खुशी होगी, अभी हम बस आए। दर्शन करने में वक्त लगेगा, कोई टेंशन नहीं है? हाँ नहीं, कोई टेंशन नहीं। लाइन में खड़ा रहना चलेगा? चलेगा चलेगा, इतने दूर से आए उनके दर्शन करने आए तो फिर लाइन में खड़े होने पड़ेगा, तो भी कोई बात नहीं। You know, people are going on foot largely, whether the young, the old, children, all of them are extremely excited, and they feel that even if it's going to take time for them to get darshan, because today the public darshan have opened for the first time ever since the Pran Pratishthan yesterday, but it seems that the spirit of Ram and of course his blessings are paramount as far as the people of the entire country who are coming from far and wide to Ayodhya to come and do that Ram darshan, something that people have said that they've waited for years and decades together. Payal Mehta in Ayodhya for CNN News 18.